नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप और आपके फैमिली मेंबर सब खुश और खुशहाल होंगे। दोस्तों, मेरे पास जी4एस में ग्रुप 4 में काफ़ी अच्छी सिटीज़ में रिक्वायरमेंट आई है। मैं सिटीज़ का नाम आपको बता देता हूँ, जो भी भाई इंटरेस्टेड होगा वो मुझे इसी वीडियो में कमेंट्स करके बताए। मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा, कमेंट्स भी करें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डालें, सर जी मैं ग्रुप 4 जी4एस में इस लोकेशन में इस सिटी में भर्ती होना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट, उनके पास जी4एस में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, NCR, प्रॉपर दिल्ली में रिक्वायरमेंट नहीं है इनके पास, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं बड़ोदरा, सूरत, अंकलेश्वर, दमन, वापी, इस लोकेशन में भी इनके पास रिक्वायरमेंट है, गांधीधाम में भी इनके पास रिक्वायरमेंट है, बड़ोदरा में भी इनके पास रिक्वायरमेंट है, बाकी बेंगलोर, चेन्नई, कर्नाटका प्लस और भी सिटीज़ में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको 100% बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ड्यूटी के पास 8 घंटा 12 घंटा दोनों ही है। सैलरी यहाँ पे मिनिमम 8 घंटे की 14,000 से स्टार्ट है। यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी है, सुपरवाइजर की भी है। 8 घंटा और 12 घंटे की जो सैलरी है 14,000 से लेके 24,000 तक है। ध्यान रखना है 25,000 भी है, 27,000 भी, 28,000 भी है, लेकिन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के हिसाब से और सिटी लोकेशन और स्टेट के हिसाब से भी गवर्नमेंट जो डिसाइड किए वो रेट के हिसाब से भी यहाँ पे सैलरी यहाँ पे 11,000 से भी इनकी स्टार्ट है जी4एस में, लेकिन वो सिटी और स्टेट के हिसाब से रहेगा, ठीक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, 10 क्लास पास का मार्कशीट लगेगा, हाइट मिनिमम 5 फुट 6, 5 फुट 7 होना जरूरी है। उम्र यहाँ पे कुछ लोकेशन में 35 के अंदर है, कुछ लोकेशन में 40 42 45 साल वाले भी चल जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग होगी 7 दिन की, 12 दिन की ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस वाले को भी है, फ्रेशर को भी है। यहाँ पे इनके पास जी4एस में ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूटमेंट चार्जेस है कुछ 2,500 से 3,000 रुपये रिक्रूटमेंट चार्जेस है, जिसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान रहना खाना सब कुछ फ्री दिया जाएगा। यूनिफॉर्म का जो भी चार्जेस होगा या जो भी कुछ होगा या तो सैलरी में से काट लिया जाएगा, या तो आप जब वहाँ पे जी4एस के ऑफिस में पहुँचोगे तो आपको सारी चीज़ें वो बता देंगे, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है मुझे आप व्हाट्सएप की कर देना, मैं आपको सीधा किस किस लोकेशन में रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन पे मैं आपका डिटेल्स उसमें फिलअप करूंगा, वो रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी मेरे पास है, ठीक है। और मुझे पता भी है कि कहाँ पे लॉगिंग करना है, कहाँ पे आपकी डिटेल्स फिलअप करना है। जैसे आप फिलअप करोगे आपको सीधा जी4एस से आपको खुद कॉल आएगा, आपको कहीं पे भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका हाइट वेट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, पैन नंबर, सारी चीज़ें मुझे लगेंगी। जो भी इंटरेस्टेड होगा जी4एस में भर्ती होने के लिए, किसी भी लोकेशन में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा, आपका डिटेल्स फिलअप कर दूंगा। अगर उस लोकेशन में वैकेंसी होगी तो जी4एस की तरफ से आपको खुद कॉल आएगा, ध्यान रखना है। पर यहाँ पे इनका 2,500 से 3,000 आपका यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट चार्जेस होगा, ज्वाइनिंग फीस होगी, ध्यान रखना है। आपको ऑनलाइन जीपे गूगल पे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जब कॉल आएगा जी4एस से तो आपको सीधा नंबर दिया जाएगा, सॉरी एड्रेस दिया जाएगा, आपको ऑफिस विजिट करना है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, जैसे कि 10 क्लास पास का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड डिटेल्स, पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ग्राम पंचायत का लेटर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो भी आपका IDBD होगा, आप जहाँ पे काम कर रहे हो सिक्योरिटी गार्ड में, या आपका पेमेंट स्लिप, या आपका ID कार्ड, जो भी आप कैरी कर लेना है रिज्यूम के साथ, फोटो के साथ, उसके बाद ही आप रवाना हो रहे हैं। अगर कॉल आएगा तो बाकी का जो भी आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप उनको पूछ लेना है, ठीक है। दोस्तों मुंबई में भी है, मुंबई में भी अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल कर लेना है, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, सर मैं जी4एस में मुंबई में ट्राई करना चाहता हूँ। ध्यान रखना है मुंबई में रहने खाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मुंबई छोड़ के आपको बाकी लोकेशन में रहने खाने की फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि मुंबई में 8 घंटे का 21 से 22,000 सैलरी है, ठीक है। और बाकी मुंबई छोड़ के उनकी स्टार्टिंग 8 घंटे की 14,000 11,000 12,000 भी इनके पास सैलरी रेंज है, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जी4एस ने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना है, इसी प्रकार विदाउट टेंशन घर बैठे जॉब ओपनिंग पाने के लिए। चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।